ऐसा है कि ईश्वर ने पूरे संसार को बनाया और इंसानों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ दौर में प्रोफेट ऋषि मुनि को भेजा, और हिंदू धर्म में भी बड़े बड़े प्रोफेट या उस तरह के उपदेशक पैदा हुए जिन लोगों ने अपने दौर में काम किया। उसी तरह से आज से 6000 साल पहले वेद की रचना ऋषि मुनियों के तरफ उतारे गए, जो भी बातें थी उनके ऊपर अवतरित हुई और उसको उन लोगों ने आवाम को बताया। उसमें ईश्वर के सिलसिले में वेद में ऋग्वेद में बताया गया एके आस्ति द्वितीय नास्ति नास्ति, एक ही है दूसरा नहीं है। ईश्वर का कंसेप्ट हिंदू धर्म के मुताबिक ईश्वर एक है और निराकार है। इस्लाम धर्म शुरू से, जब से दुनिया की तख्लीक की गई उस वक्त से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद साहब तक मुख्तलिफ दर में तकरीबन 1.25 लाख प्रोफेट आए जिन्होंने ईश्वर के बारे में लोगों को बताया, और कुरान के मुताबिक ईश्वर के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा कोई ईश्वर नहीं, कोई पूज के लायक नहीं एक अल्लाह के अलावा, और मोहम्मद साहब प्रोफेट इस्लाम के जो रसूल नबी वो मोहम्मद साहब बनाया गया। और कुरान में जो अल्लाह के बारे में बताया गया कि कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के सबसे पूरे दुनिया में अगर कोई ताकत है जो पूरे दुनिया को चला रही है वो रब्बुल आलमीन, रब्बुल पूरे दुनिया का रब कहा गया, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा गया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मा अरसलना का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया, रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया। तमाम लोगों के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेट बनाए गए। उसी तरह से हिंदू धर्म के मुताबिक राम जी को तकरीबन 80 करोड़ आबादी राम जी को प्रोफेट मानती है, उन पर विश्वास करती है, और राम जी का भी पूरी जिंदगी जो उनकी ज़िंदगी थी वो अहिंसा के खिलाफ, जो जुल्म जाति हो रही थी उसके खिलाफ उन्होंने ये किया। अहिंसा परम धर्म कहा गया। हिंदू धर्म में अहिंसा को गीता के मुताबिक सबसे बड़ा धर्म जो है वो अहिंसा है। किसी की हत्या न की जाए, किसी पर जुल्म नहीं किया जाए। अगर आज हम तमाम लोग जो भी हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 20 करोड़ जो आबादी बस रही है, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मुख्तलिफ जाति धर्म के लोग हैं, सबका एक ही ईश्वर है, एक ही मालिक है। हम लोगों ने बांट दिया लोगों को, और कहीं पर भी हिंसा का की जगह धर्म में नहीं है। खा वो हिंदू धर्म है हो या इस्लाम धर्म हो, तमाम धर्मों का सार है मनुष्यों की भलाई। आप गीता को देख लीजिए, गीता के अंदर जो भी उपदेश दिए गए हैं भलाई के लिए, और गीता के अंदर कहा गया है कि अगर दुनिया में मनुष्य अच्छे कर्म करता है और उनका कोई भी गलत काम अगर नहीं किया तो उसका पुनर्जन्म जो होगा वो जानवर और दूसरे चीज़ों में नहीं होगा, उसका पुनर्जन्म के बाद स्वर्ग में उसको भेज दिया जाएगा। और जो भी दुनिया में लोग हैं अगर उनका कर्म गलत है तो उनको फिर पुनर्जन्म में अलग जानवरों में बनाने की बात गीता में कही गई। और कृष्ण जी ने अपने उपदेश में बताया कि ये मनुष्य का जो शरीर है ये दो हिस्से हैं, एक शरीर का जो आत्मा है और एक शरीर है। उनका कहना है कि आत्मा में ईश्वर का अंश बसता है इसलिए अनश्वर है, और शरीर जो है ये मिट्टी से बना है, इसका नाश हो जाना है, मरने के बाद ये सड़ जाएगा, गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हिंदू का भी आत्मा हो, मुसलमान का या किसी का भी आत्मा है वो अनश्वर है, उसका नाश नहीं होगा। इसीलिए ये धर्म का सार जो आज पूरे दुनिया के अंदर लोग जो आपस में भेदभाव, लोग दुराव पैदा कर रहे हैं, लोग बांट रहे हैं, वो गलत है। हम तमाम लोग जितने भी इंसान बसते हैं
ये तमाम धर्मों का सार ये है कि मोहब्बत से जिए, सब एक दूसरे की मदद करें। ईश्वर ने तमाम दुनिया के लोगों को बनाया है, अल्लाह ने तमाम दुनिया के लोगों को बनाया है, इसीलिए किसी तरह का आपस में भेदभाव करना, दुराव रखना, डिस्क्रिमिनेशन पैदा करना किसी भी मजहब के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है हम सब एक होकर रहें और भलाई का, ऐसे वक्त में जब पूरे मुल्क पर दुनिया कोरोना के अंदर मुतासिर है, सभी लोग मर रहे हैं, ऐसे में हम हिंदू भाई मुसलमान सभी लोग मिलजुल कर इस अभी जो इस परेशानी से हम बचने के लिए मोहब्बत से मिलजुल कर, और हमारे इस मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने भी लोगों को यह आह्वान किया है, इस भयसम परिस्थिति में तमाम लोगों से मिलजुल कर हम मुकाबला करें, किसी तरह का मजहबी तौर पर द्वेष और आपस में दुराव मत रखें। इसीलिए मेरी गुजारिश है, मैं इस मॉर्निंग सोशल मीडिया के ज़रिए से मैं हम तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने मजहब और खाओ हिंदू धर्म के लोग हैं तो वेद पुराण का मुताला करें, गीता का मुताला करें, अगर मुसलमान हैं तो कुरान का मुताला करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत का मुताला करें, ताकि पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम हो सके, शांति कायम हो सकते। और ये कब होगा? जब हिंदू लोग वेद की तरफ जाएंगे, मुसलमान कुरान की तरफ जाएंगे, ईसाई बाइबिल की तरफ जाएंगे, और गुरु ग्रंथ के जो हमारे सिख भाई हैं अगर मुताला करेंगे तो संसार में अमन कायम हो जाएगा, मोहब्बत भाईचारे का माहौल बनेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं भी बात करूँ।